friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant, obstetrician and gynecologist at Healing Hospital, Chandigarh. This is a very interesting case. She's a 19 years old unmarried girl. She came to me around 6-7 months back. Iske bachchedani ka mouth bilkul closed tha, band ho gaya tha, plus jo upper part of vagina hai wo bana nahi tha, congenitally bana nahi tha shuru se. So jiske karan jo blood hai wo uterus ke andar ikattha ho gaya tha plus tubes ke andar. And she was in great pain. So just giving her brief history, in 2016, they tried for vaginal process and vaginal septum removed kiya gaya, but hysteroscopy could not be done because of the blind vagina, and so laparotomy ki gayi and a few adhesions were removed. After that, multiple hysteroscopies or vaginal procedures were tried, but around 5-6 times, but they failed. So later on, she went to some private hospital where they tried hysteroscopy, but there were just blind tracts were formed and hysteroscopy could not be done. And they did laparoscopy and one of the tube was removed because of the hematosalpings and adhesions were removed. So itne sare iske 7-8 bar procedures hue gaye, but kabhi bhi procedure complete nahi ho paya and she was in great pain. So when she came to me around 7 months back, she was in severe pain and she also has single kidney and she was on injectable painkillers, Voveron, Buscopan, bahut sare, and daily she had to take, and she was advised over there ki ultimately aapko uterus remove karna padega. I started with Hamus so that iske periods band kiye jaye. I made her amenorrheic, but 6-7 mahine ke baad still she required lots of painkillers, and because of the single kidney and such a young age, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स नहीं दे सकते हैं इसको. सो आई ऑप्टेड टू ऑपरेट अपॉन हर एंड आई डिसाइडेड फॉर एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीजिया. एंड जब हम इनको एग्जामिन किया, सो हिस्टीरोस्कोप कुड नॉट बी इंट्रोड्यूस बिकॉज नीचे ब्लाइंड वजाइना था, देर वॉज नो प्लेस, और बहुत ज़्यादा एडिजन्स चिपका हुआ था नीचे. फिर भी वी ट्राइड एंड स्मॉल गाइड वायर वी कुड इंट्रोड्यूस आफ्टर 7-8 फेल्ड अटेम्प्ट्स. एंड उस गाइड वायर के थ्रू हम यूट्रस के अंदर गए एंड गाइड वायर के ऊपर हमने इंक्रीजिंग डायमीटर्स ऑफ कैथेटर डाले सो दैट कि जो सर्विक्स का माउथ, जो बच्चेदानी का माउथ है, वो ओपन हो सके, डायलेट हो सके. एंड वंस वी कुड डायलेट इट, जो बच्चेदानी के अंदर इकट्ठा ब्लड था वो बाहर आ गया, विच वॉज कॉजिंग पेन. एंड डिस्पाइट पुराने 7-8 बार जब इन्होंने चेकअप कराया बाहर, नोबडी कुड मेक दैट ट्रैक, बट लकली भगवान की दया से हमें वो ट्रैक मिल गया एंड वी कुड प्लेस अ सर्वाइकल कैथेटर. तो बच्चेदानी के माउथ पे हमने एक कैथेटर डाल दिया जिससे कंटिन्यूसली यूट्रस ड्रेन हो रहा है एंड ब्लड जो अंदर इकट्ठा था वो अल्टीमेटली ठीक हो रहा है, और जो ट्यूब्स के अंदर ब्लड था अल्टीमेटली वो भी, उसको भी बाहर का रास्ता मिल गया. इट इज़ ड्रेनिंग कंटिन्यूसली नाउ. हर पेन हैज़ सबसाइडेड एंड वी हैव कैप्ट हर कैथेटर फॉर ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स सो दैट उसका जो वो सर्वाइकल केनाल है वो बन सके और इसकी हिस्ट्रेक्टमी से बच गया है बिकॉज शी इज सच अ यंग गर्ल, अनमैरिड गर्ल, इसके फ्यूचर का सवाल है. एंड सेकेंडली वी डिड अ हिस्टीरोस्कोपी, बच्चेदानी के अंदर भी हमने देखा एंड लाइनिंग इज़ वेरी गुड, बच्चेदानी के अंदर बिल्कुल ठीक है एंड होपफुली फ्यूचर वुड बी ब्राइट फॉर हर एंड शी कैन गेट प्रेगनेंट इवन. हेलो, मैं 19 की गर्ल हूँ और मैं पिछले काफ़ी सालों से पेन में हूँ. मतलब मुझे पीरियड्स आते ही नहीं थे, जब से मैं 12 ईयर की हुई तो मुझे पेन होनी स्टार्ट हुई. फिर हम PGI गए, वहाँ पे हम मेरा ऑपरेशन हुआ, तो फिर उस टाइम तो प्रॉब्लम ठीक होगी, बट उसके 1.5 ईयर बाद फिर वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम पेन, और मतलब ब्लड इकट्ठा हो रहा है. फिर उसके बाद उन्होंने मेरी 4-5 टाइम्स डायलिटेशन करी, बट कोई भी असर नहीं हुआ. फिर उसके बाद वही सेम प्रॉब्लम, तो फिर उसके बाद हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, फिर उन्होंने वहाँ पे मेरी लेप्रोस्कोपी करी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा ट्यूब ख़राब है, तो फिर उन्होंने वो रिमूव करी और मतलब ब्लड रिमूव करा. फिर उसके बाद हाफ ईयर बाद फिर मेरे वही सेम प्रॉब्लम, पेन. फिर उसके बाद पेन किलर्स हर दिन, हर मंथ लेने पड़ते थे बार बार. फिर उसके बाद हम डॉक्टर रमनदीप कौर से मिले, फिर उनको दिखाया, उन्होंने बताया कि मतलब अंदर, उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए कि अंदर सब कुछ ख़राब है. फिर उन्होंने बताया कि क्या अल्टरनेटिव कर सकते हैं, उन्होंने पीरियड्स बंद करे. फिर उसके बाद उन्होंने देखा फिर पेन हो रही है, तो फिर उन्होंने लास्ट ऑप्शन बताया कि हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा. तो फिर
उन्होंने करा तो जो मतलब लास्ट किसी से भी नहीं हो पाया तो उन्होंने वो ट्राई करा, तो हमारा शुक्र है कि वो हो गया, उन्होंने लकीली हमारा जो भी प्रोसीजर था वो हो गया और उन्होंने बताया कि जो भी यूट्रस है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ है। मैम ने फ्रेंड की तरह एक फैमिली की तरह हमारा साथ दिया कि हाँ कि डरो ना, बहुत अच्छा नेचर है मैम का, बहुत साथ दिया इन्होंने, बिल्कुल मतलब लगा ही नहीं कि डॉक्टर है, फैमिली एज अ फैमिली मेरा साथ दिया है और इनकी वजह से अभी मैं ठीक हूँ। मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम थी अभी मेरे को पेन रिलीफ है, आज मेरा डिस्चार्ज है और थैंकफुल टू ऑल हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स और नर्स हेल्पर, सब ने बहुत हेल्प करी है, पेन रिलीफ सब ने टाइम टू टाइम मेरी केयर करी है और हम मैम का थैंकफुल कि बहुत ज़्यादा कि मैम की वजह से अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, वरना मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कि ऐसे मैं बैठ सकती हूँ। थैंक यू टू द हीलिंग हॉस्पिटल, थैंक यू ऑल हीलिंग हॉस्पिटल स्टाफ एंड नर्सेज।